नमस्कार, मी राजश्री पाटील, इंडिया स्टार वन न्यूज मध्ये आपण सर्वांचे स्वागत. कोविड रिलीफ टास्क फोर्स चिखली च्या वतीने रक्तदान शिबिराचे आयोजन. कोविड रिलीफ टास्क फोर्स व SIO चिखली जिल्हा बुलढाणा द्वारा रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले, ज्यामध्ये 22 लोकांनी रक्तदान करून या शिबिराला पूर्णत्वास नेले. यावेळी देश हा मेडिकल इमर्जन्सीच्या काळातून जात आहे. कोरोना व्हायरसमुळे देशाची अर्थव्यवस्थाही ढासळली आहे, परंतु यावर्षी देशामध्ये कोरोना व्हायरसने सगळीकडे आपले पाय पसरवले असताना सरकारकडून कुठल्याही प्रकारच्या योजनेचा लाभ हा कोरोनाग्रस्ताला मिळत नाही. तद्वत कुठे दवाखान्यांमध्ये बेड नाही, कुठे प्लाझ्मा नाही, तर कुठे ऑक्सिजन नाही. कोरोना व्हायरसमुळे दिवसेंदिवस पेशंटची संख्या वाढत चालली आहे, त्यातच कोवॅक्सिनचा वाढता काळाबाजार देखील होत आहे. हे पाहता देशातील सेवाभावी संस्था पुढे आल्या आहेत. यामध्ये नवयुवक आपले कर्तव्य चोख बजावत आहेत. हे सर्व घटनाक्रम पाहता SIO इंडियाने टास्क फोर्स स्थापन केली आहे, ज्यामध्ये गरजवंतांना लागणारे साहित्य पुरवले जाणार आहेत. दवाखाने, ऑक्सिजन आणि इतर काही आवश्यकता असल्यास ते देखील या संघटनाद्वारे पुरवल्या जाणार आहेत. यातच आज शुक्रवारी नमाज पठण झाल्यानंतर हजरत हिंद पुस्तकालयाच्या समोर SIO कोविड रिलीफ टास्क फोर्सच्या वतीने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये 22 युवकांनी रक्तदान केले. यासाठी जीवनदारा ब्लड बँक बुलढाणा याचे प्रभारी महेश भटकर आणि इतर कर्मचारी यांना मराठी भाषा आणि इस्लामी साहित्य यामध्ये अनुवाद असलेले कुराण देण्यात आले. यासाठी चिखली SIO सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी परिश्रम घेतले. एक साल से पूरी दुनिया एक पेंडेमिक कोविड महामारी से गुजर रही है. कोविड-19 की महामारी वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है अभी पिछले 2 महीने से, कि इसमें बहुत ज़्यादा मौतें हो रही है और मौतों की वजह जो है तो ऑक्सीजन ना मिलना और फिर किसी तरीके से कोविड के जो रिएक्शन हो रहे हैं उन रिएक्शन के ज़रिए से इंसान के जिस्म का खून और दौरान खून ये पूरा का पूरा निज़ाम ख़राब हो रहा है, तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं. तो उसी को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद की एक यूनिट SIO ने ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर इनेकाद किया है. इसी ब्लड से प्लाज्मा वगैरह सब निकाला जाएगा और इसके ज़रिए से मानवता की मदद की जाएगी, क्योंकि कुरान ने साफ संदेश हमको दिया है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी संदेश का ने भी साफ संदेश दिया है कि एक इंसान की जान बचाना इंसानियत की जान बचाने के बराबर है. उसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया और जहाँ भी और जब भी जिस वक्त भी ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त हम कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपनी मदद मानवता के बचाने के लिए, मानवता की मदद के लिए करेंगे और करते रहेंगे. पिछले 14-15 महीनों से जिस महामारी का शिकार है, एक साल में जितनी अफवाहें नहीं हुई, पिछले 2-2.5 महीनों में पूरे मुल्क में उतनी अफवाहें हो गई है. तो ये जो अमवाद का सिलसिला है बिल्कुल बस शिद्दत के साथ बढ़ता ही जा रहा है. इस ज़िम्न में पिछले 1 महीना पहले SIO ऑफ इंडिया ने एक कोविड रिलीफ टास्क फोर्स का जो है इनेकाद किया था, उसको कायम में अमल में लाया था. तो उसी के ज़िम्न में चिखली यूनिट SIO ने कोविड रिलीफ टास्क फोर्स का यहाँ पर भी इनेकाद किया और उसको अमल में लाया. उसी के ज़िम्न में हम जिन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं ये पूरी तरीके से ऑनलाइन एक्टिविटीज़ थी, जिसमें हम बेड अवेलेबिलिटी करा कर देना पेशेंट्स को, प्लाज्मा की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स, उसी तरीके से जो भी गरीब आवाम है उनको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था, तो ऑनलाइन हेल्पलाइन के जरिए हमने हेल्पलाइन नंबर जो है एक इशू किया था.